हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक पंकज गेमिंग आर एक्स चैनल। तो भाई लोग, आज फिर से खेलेंगे फार्मर सिमुलेटर 19। और भाई आज हम नए मैप में गेम प्ले बनाएंगे। तो अपना जो दूसरा जो मैप है यार, उसमें गेम मैंने भाई प्ले की थी, बहुत ज़्यादा लैग कर रही है इस वक्त, तो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया भाई इस मैप के साथ। ये भी सेम भाई इंडियन मोड चैलेंज वाला ही मैप है। तो सेम भाई छोटे छोटे फील्ड है, बहुत छोटे फील्ड है भाई, बहुत मज़ा आएगा आपको। पहाड़ी इलाके हैं भाई, ट्रैक्टर वगैरह चढ़ेंगे वहाँ पर, देखना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वो जो मैदान थे भाई, जो दूसरे मैप का जो मैदान था, वो एकदम भाई समतल था। यहाँ पर थोड़ी ऊबर खाबड़ सी जगह है भाई, ट्रैक्टर वगैरह की प्रॉब्लम होगी। तो इसमें काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग मैप है, तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो ये मेरा फार्म हाउस है, आप सामने देख रहे हो। दो फील्ड मेरे हैं जो भाई मैंने बाय किए हैं, यहाँ घर के पीछे ही है। तो वो है भाई, हमने लगाई थी बीट, मतलब कि जो जिसका घर था भाई, उसके साथ में जो फसल थी वही मिल गई मुझे साथ में ही। तो बीट लगाई है भाई, उसको काटेंगे। बीट है, बेल रही है, अब मैं देखी नहीं, तो मैं अभी गेड़ा मार के आया हूँ, तो उसको काटेंगे। वो भाई बिल्कुल पक चुकी है। तो और तो भाई कुछ भी नहीं है बाकी, तो करते हैं गेम को स्टार्ट हम। तो यहाँ पे जो मैंने यार अपने व्हीकल बाय किए भाई, इंडियन ही रखे हैं। तो ये है अपनी हिंद, न्यू हिंद 999, जो कि भाई इंडियन कंपनी है। ट्रैक्टर स्वराज 855, साथ में ट्रॉली भाई देसी। एक मिनट भाई, एक मिनट, इसका कैमरा भाई कैसा है यार? ये फिर लैग हो गई। सही है सही है सही है, चल पड़ा भाई अभी, क्योंकि अभी गेम भाई स्टार्ट की मैं पहले खेल नहीं रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम आई अभी। सही है भाई, व्यू वगैरह भी सही दिख रहा है। तो आपको दिखा दूँ भाई, हेड वगैरह देखो एकदम ज़बरदस्त है। कलर वगैरह चेंज कर लें हेड का हम भाई, ये सही है, चल ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फसल भाई, दो खेत हैं अपने जो काटने वाले हैं, वो भी अपना ही खेत है भाई ये, जिसमें कुछ और लगी आइटम। तो देखेंगे अगर हार्वेस्टर के साथ हो जाए तो। खेत बता दूं भाई, ये छोटे छोटे खेत है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पर यार पहाड़ी इलाके भी हैं भाई, और खेत देखो कितने, स्कूल वगैरह हैं यहाँ पे, सब कुछ है भाई। मतलब कि मैप छोटा था और सब कुछ है इस मैप में। तो यहाँ से अब काटना स्टार्ट करेंगे, ये अपना भाई फील्ड है। और ये पता नहीं भाई किसने लगाए हैं सूरजमुखी के फूल, तो देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो चलते हैं अपनी कंपाइन को लेके। ये खड़ी है अपनी भाई हिंद 999। ठीक है, तो मारते हैं भाई साहब भाई इसका, तो क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो इसकी लिफ्ट को उठाते हैं और चलते हैं भाई खेत में। अरे यार, जब मैं अगला कैमरा चलाता हूँ तो ऐसे होता है। तो खेत की तरफ चलते हैं भाई, फसल को काटते हैं और देखते हैं भाई कितना मतलब कि माल निकलता है। यार एक तो मुसीबत ये है भाई, कटर डाल दिया। एक मिनट यार, एक मिनट, इसका सिस्टम ऑटोमेटिक इंजन ऑफ, ट्रैफिक सही है, बाकी सही है। तो अभी कटर भाई डाल दिया हमने पहले ही, कटर का ट्रेलर नहीं तो यहाँ से काटना था अभी। मशीन को भाई घुसाने के लिए जगह नहीं है यहाँ से, हम उधर देख के आते हैं भाई बाहर से। हाँ यहाँ से रास्ता है, तो मशीन को हम ले आएंगे भाई बाहर, तो निकल जाएगी बाहर यहाँ से, फिर घुमा के उधर लेके चलेंगे। चलो चल 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 चल, पड़ी भाई मशीन अपनी। ओ भाई आराम से आराम से। और भाई देखो थोड़ी सी मतलब कि टायर वगैरह तो नहीं भाई, वैसे खेत में जा रहे हैं, पर ये कटर है भाई खेत में जा रहा है। हाँ सही है सही है सही है, चल रही है अपनी मशीन। तो यही है, यहाँ से काट खाट करते हैं इसका, उगर वगैरह खोलते हैं भाई। उगर वगैरह खोल लिया और कटर वगैरह चला देते हैं, और लिफ्ट उठानी पड़ेगी भाई, क्योंकि यहाँ पर जो चढ़ाई सी है, इसके ब्लेड वगैरह टूट सकते हैं। लिफ्ट को ऊपर नीचे करना पड़ेगा भाई अपने। देखो निकल गई, तो कोई बात नहीं भाई, स्ट्रॉ वगैरह भी रखेंगे अपने पास, तो भी कुछ भी नहीं है, चल पड़े। तो यार पेड़ वगैरह भी है, एक मिनट यार, साउंड बहुत ज़्यादा है भाई मशीन की। एक ऑटो से बंद करो, मशीन की साउंड बहुत ज़्यादा है, 20% सही है, तो मेरी भी साउंड आनी चाहिए। तो लो भाई फसल जो चल रही है एकदम मस्त चल रही है भाई, गेम वगैरह लैग नहीं कर रही है ना भाई, मुझे बताना, स्मूथ चल रही होगी।
तो ये दो खेत हैं भाई, मैं सोच रहा हूँ इन दोनों को एक साथ ही काट लिया जाए, बस पेड़ का भाई जो डाली वगैरह वो बाहर ना हो। मशीन भाई चल क्यों नहीं रही आगे भाई? गीलापन है यार खेत में, खेत में गीलापन है। एक मिनट भाई, धस गया इसका टायर मुझे लग रहा है, ज़्यादा धस गया भाई यार। चल 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 भाई, वो देखो दूसरा टायर स्लिप निकाल रहा है भाई, कब क्या लाल है। एक मिनट, तो देखो भाई लिफ्ट उठानी पड़ेगी हमें, जगह बहुत निजी है भाई ये। चल 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 निकल के। ओ ओ ओ हो 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 भाई, देखा ही ऊपर से बिल्कुल पता नहीं लग रहा है भाई क्या चीज़ है यहाँ पे क्या नहीं है। तो मशीन को थोड़ा सा भाई यहाँ से लिफ्ट लगाते हैं नीचे, और सही है भैया। और इसकी स्पीड को यार हम हाथ से कंट्रोल नहीं करेंगे भाई, एक बांध देंगे इसकी स्पीड को तकरीबन जिसमें भाई दाने वगैरह हमने छोड़े, 4 की स्पीड में चलेगी, नहीं कम कर लेते हैं थोड़ी सी, 3 की स्पीड में चलेगी अपनी कंबाइन हिंद 99। तो सही है भाई, भाई एकदम प्रॉपर काम कर रही है कंबाइन की, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा भाई, मतलब टैंक जल्दी भरेगा नहीं इसका अभी। ओ हो भाई गड़बड़ हो गई अपने से, इसका उगर बंद करना पड़ेगा उगर वाला, नहीं तो भाई पेड़ से टकरा जाएगा। कभी तो टंकी में माल बिल्कुल भी थोड़ा बहुत आ गया, गिर नहीं सकता जब टंकी फुल है भाई, तब माल गिरता है बाहर। उगर को खोलेंगे तब, हम खोलते हैं भाई, निकल गई वहाँ से, लिफ्ट को उठा लें। और भाई लाइटें जल गई इसकी अभी, तो मैंने विशाल कंबाइन का मोड आपको दे दिया भाई, डाउनलोड नहीं किया तो जाओ करो डाउनलोड। वो भाई किसकी फसल खराब हो रही है यार, ये गोभी वगैरह लगाई है किसी ने, तो गेड़ा अंदर से लगाए या बाहर से लगाए, गेड़ा अंदर से लगाए या बाहर से लगाए, चलो बाहर से लगाते हैं गेड़ा। तो ये छोटे से भाई फील्ड है, ज़्यादा बड़े नहीं है। लो भाई अपनी स्पीड में चलाते हैं कंबाइन को जितनी स्पीड थी, और इसकी रेस को देते हैं बांध और उतर के भाई कंबाइन जो जा रही है भाई, एक तिरछी जा रही है, सही है अभी दाने वगैरह तो नहीं छोड़ रही है, देखना लाजमी है भाई। नहीं नहीं एकदम भाई तूड़ी वगैरह थोड़ी स्ट्रोक निकली और भाई कंबाइन साइड में चली गई, अच्छा भाई साइड में चली गई, पेड़ भी है सामने। यहाँ पर रुक 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 गए भाई, ऑटोमेटिक लिफ्ट को उठाना पड़ेगा, लिफ्ट को उठाना पड़ेगा। चल 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 भाई, यहाँ पर खड्डा था यार, वहाँ पर खड्डा यहाँ पे नहीं है, है थोड़ा बहुत, है थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। ओ भाई पर टायर के साथ ही बेड़ा गर्क हो गया भाई, देखो। ओ ओ हो भाई, और तेरे की स्पीड तो भाई बहुत है इसकी यार, वो काटने की। अपनी फसल है भाई, आराम से काटेंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर चलेंगे मंडी भाई, यहाँ मैं बड़ी ट्रोली इसलिए भाई नहीं की क्योंकि जगह छोटी है यहाँ पे, और काम ट्रोली का वो बड़ा भाई। देखो ये इसने कीचड़ है भाई, स्लिप कर रही है कंबाइन अपनी, देखो देखो स्लिप लगा के चल रही है, किसी किसी जगह पे गीलापन है। सही है भाई, इसका ब्लेड टूट गया, एक मिनट इसको मोड़ लें भाई पहले यार, यहाँ पर खड्डा है भाई यार, खड्डा पड़ा है अंदर से देखें यार, बस बस रिवर्स भी टूट नहीं जाएगी यार यहाँ पे। एक मिनट भाई, फंस गई मेरे ख्याल से, निकल गई लिफ्ट का भी प्रॉब्लम है यार, लिफ्ट कंट्रोल नहीं हो रही है इसकी, पहले जैसे नहीं होती भाई, इस मैंने मोड़ हटा दिया उस वजह से। अब इसकी स्पीड में यार डिफ़ॉल्ट रखते हैं और थोड़ा मुआयना कर लेते हैं भाई खेत का, यहाँ पर तो पेड़ है भाई, यहाँ से थोड़ा सा करनी पड़ेगी सीधी, सही है भाई।
फ्रंट व्यू भी सही है भाई कंपनी का, भाई शीशा लगा है इस पर, देखो पीछे भी देख सकते हो आप, ऑटोमेटिक रुक गई यहाँ पे आके, कटर उठाना पड़ेगा भाई यहाँ पर, मैं आपको कहा था भाई कीचड़ है इस नीचे जगह पे, ये उठाओ कटर इसका, अभी बीट बची तो नहीं जानी, नहीं तो अभी घुमा लेते हैं भाई इसको इधर से, क्योंकि उस तरफ है अपना भाई, तेल क्यों वेस्ट करना आ गया, तेल इतना महंगा, तो एक मिनट, पेड़ ना हो भाई छत वगैरह ना टूट जाए, इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है, तीन चल स्पीड का, ओ भाई छत लग गई, पर ये कि भाई जोर से नहीं लगी है, आराम से टच हुई है इसके साथ, बचा हो गया, भाई इसके टायर पिछले मुड़ते हैं तो थोड़ा सा हमें ध्यान देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि आगे से कटाई नहीं होती इसकी, तो पीछे से कहीं पेड़ से ना टकरा जाए थोड़ा सा, हाँ सही है, और पेड़ का भी यार कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से काटना पड़ेगा इसको, एक तो फसल को नुकसान है और भाई अपना हार्वेस्टर भी अच्छे से नहीं काम करेगा यहाँ पे, पेड़ को काटना पड़ेगा, रहना पड़ेगा इसका भी कुछ, स्पीड तो बढ़ाएं, तो मैं अब देख सकते भाई सामने पहाड़ी वगैरह है, वहाँ पे भी खेत है किसी किसी के, तो ये कि लोगों का भाई जैसे दूसरे मैप में मैं काटता था वैसे इस मैप में भी होगा, जो लोग बोलेंगे भाई हमारी काट दो उसकी काटेंगे, और लो भाई अभी ट्रैक्टर है जो लाना पड़ेगा यहाँ पे, ट्रैक्टर तो निकल जाएगा यहाँ से आराम से, और इसको साइड में लगा ले, ठीक है, ट्रैक्टर कहाँ गया अपना, ये ट्रॉली अपनी सिंगल टायर वाली ट्रॉली है भाई, नॉर्मल लाइटें साइटें जलती है ना भाई, काफ़ी टाइम बाद यूज़ कर रहा हूँ इस ट्रैक्टर को, तो यार इधर से ही चलते हैं भाई, अभी ट्रैक्टर का मुंह इधर को घुमा दिया तो इधर से निकलते हैं, अब यार ये देखो भाई घर के आगे यार झाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है, ये पता नहीं किसका घर है भाई, खंडर बन चुका अभी तो रास्ता यहाँ पे है, देखो यार ये पानी वगैरह है मेरे ख्याल से गीला बन, मैंने कहा था ना भाई थोड़े से खेत गीले गीले हैं, चढ़ाई बहुत ऊँची है भाई यहाँ पे, यार अंदर बैठ के नहीं पता लग रहा था इतनी चढ़ाई का, और ये भाई इसको काटते हैं थोड़ी देर बाद, उसको खाली करने के बाद, ठीक है भाई बिल्कुल ट्रॉली के साइड में, ठीक है माल गिर नहीं रहा है भाई इसमें, ओ भाई मैं ट्रैक्टर में बैठा हूँ, लो तो ज़्यादा माल नहीं निकला भाई, तकरीबन 7% है, मतलब कि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी भाई कंबाइन की हमने, तो ये पता नहीं यार किसकी फसल कंबाइन के साथ होगी हार्वेस्टर नहीं होगी, देखना पड़ेगा है क्या यार, एक मिनट देखते हैं भाई, मुझे तो सोयाबीन जैसा लग रहा है कुछ, चलो कोई नहीं, बहुत छोटी है भाई बहुत ज़्यादा छोटी है, देखो चलो जो होगा देखा भाई, यार काटने वाली हो चुकी है और कट भी रही है, तो ओकटा भाई ओकटा भाई कुछ नाम है इसका, तो उसकी भी स्ट्रो है भाई, और बिल्कुल छोटा सा खेत है, बिल्कुल छोटा सा भाई, यहाँ मेरे ख्याल से थोड़ी सी स्पीड कम रखनी पड़ेगी यहाँ पे, और फिर पहले तो भाई उसका गेड़ा लगाना पड़ेगा मंडी का, और फिर इसका भी देखना पड़ेगा, बासमती लगाएंगे भाई अगली बार बासमती, भाई सामने रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो देखो सामने खड़े हैं उसके, यार एक मिनट भाई एक मिनट, चल भाई नीचे उतार देते हैं इसको, क्योंकि इतनी बड़ी हार्वेस्टर भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको, कुछ बस ये भाई खंबा से टकराना जाए बस, तो ट्रैक्टर वगैरह पलट सकते हैं भाई, इतनी बड़ी मशीन है इसको ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होती बड़ी चीज़ों में, जैसे कि चढ़ाई वगैरह में देखो आराम से चढ़ती है मशीन,
बड़ी चीज़ें भाई बड़ी होती हैं, आपको पता ही है। अब अटक गई यार कटर का भाई, लाइन वेट सही नहीं है भाई उसकी, लिफ्टिंग का जो देखना पड़ेगा मुझे। तो ऐसे जो खेत हैं दोस्तों वो छोटे छोटे हैं जो अच्छे लगते हैं भाई काटने में। इसकी स्पीड 3 की रख लेते हैं। यार एक तो पेड़ बहुत ज़्यादा था इस खेत में, लोग जा रहे हैं भाई अपने अपने काम में, या तो काम में काम से आ रहे हैं भाई। 12:17 हुए हैं दोपहर के, अपना ही भाई खुद का घर का काम नहीं ख़त्म होता है भाई, दूसरों का तो क्या करें। अभी मंडी जाना है भाई, फिर लोगों का करेंगे काटेंगे यार, पहले अपना काम ज़रूरी है ना। ओहो भाई एक मिनट इसका उग्गर बंद करें, उग्गर बंद करें तो भाई टूट जाएगा दिमाग भाई, काम नहीं करता यार ऐसे। कि ये भी लगा है साइड में, लो भाई 2 गेड़े में ये कंप्लीट हो गई। बड़ी हार्वेस्टर भाई छोटे खेत में तो यार जल्दी हो जाती है, बड़े बड़े खेत में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये थोड़ा सा रह गया बस खंबा यार, ये चल खंबे से टकराएगा तो भाई कटर की धरतियाँ उड़ जाएगी। ठीक है तो अभी मशीन को कर लेते हैं बंद, क्योंकि अभी जाना मंडी। तो 855 भाई जो है माल उसको डबल तो आपको पता नहीं डलेगा, मिक्स हो जाएगा। तो एक गेड़ा लगा लेते हैं पहले 855 के साथ, स्टार्ट ही रखा भाई। अभी मंडी वगैरह देखनी पड़ेगी कहाँ है इसका सिस्टम। तो ये मेरे घर का ही करें ना भाई, डाल सकते हैं यहाँ पे भी। और ये मंडी है क्या भाई, चेक कर लेते हैं पहले। नहीं ये मंडी नहीं है, ये मंडी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये नहीं, ये भी नहीं है, ये मंडी लग रही है मुझे तो, मंडी वगैरह नहीं है ये मेरे ख्याल से नहीं है ये, क्योंकि मंडी का ये नहीं है, ये भी नहीं है। और ये हो सकती है यार, ये तो JCB वगैरह लगी है यहाँ पे, ये लग भी रही है भाई मंडी। और ट्रैक्टर की ट्रैक्टर का शोरूम भी है यहाँ पे, ये मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे। ये भी नहीं है, यहाँ क्या है, ये तो भाई कोई शॉप वगैरह है। तो मंडी तकरीबन ये कहाँ क्या है, ये क्या आ गया भाई यहाँ पे, कुछ है तो है नहीं। तो मेरे ख्याल से यार यही है मंडी, क्योंकि मेरे ख्याल से लग रहा है, कह नहीं सकता भाई मंडी है कि, गेड़ा ना लगे भाई फालतू में। ये भी है भाई लकड़ी का, ये एक मिनट यार हम यहाँ से चेक कर लेते हैं भाई। ये है अभी, ये टैग कर दिया भाई हमने, ये ऑटोमेटिक ही भाई वहाँ पर ले चलेगा मेरे ख्याल से, हो चुका है टैग। ये देखो भाई मंडी में ये ऑटोमेटिक, अब मैं वहाँ पर चला जाता हूँ जहाँ पर रेट भी अच्छा मिल रहा है, अच्छा खासा। भी देखना पड़ेगा भाई कहाँ निशान आ रहा है, और अपने को भाई ने इलाके का पता भी नहीं है इतना। एक मिनट रोड पे चलते हैं, पहले रोड पे चलते हैं, ट्रैक्टर को निकालें भाई, रोड ये सामने ही है। और थोड़ा सा भाई हिसाब किताब भी देखना पड़ेगा, ट्रैफिक काफ़ी है इस मैप में। यार निशान कहाँ है यार, यहाँ से दिख नहीं रहा भाई इतनी रोशनी, वो पीछे है पीछे है। तो ये रास्ता जा रहा है मेरे ख्याल से, हाँ भाई चढ़ाई वगैरह भी है, वहाँ थोड़ा सा भाई गलत आ गया। तो रिवर्स कर लेते हैं ट्रक, ट्रैक्टर को अभी पीछे दिखेगा भी नहीं। तो ये चल, तो ये है भाई चढ़ाई वगैरह आपको बोल रहा था, बहुत सारी चढ़ाई हैं ऐसी यार यार। तो इधर को भी भाई किसी की फसल है वो भी काटनी पड़ेगी, ये देखो चढ़ जाएगा ना, ये तो चढ़ जाएगा यार, इसको कोई परवाह नहीं। ये देखो भाई इधर रास्ते देखो कितने ज़बरदस्त हैं यार, वो आ गई सामने मंडी, एक मिनट अंदर से वो इस तरफ है, नहीं रास्ता तो जा रहा है यार वैसे। गाड़ियाँ भी जा रही है भाई, ट्रैफिक भी अच्छा है यार इस मैप में। तो एंट्री गेट कहाँ, ये एंट्री गेट छोटा नहीं है यार,
एक मिनट भाई, ये एंट्री गेट है कि मैं किसी के सोसाइटी में ना घुस जाऊं। नहीं इस तरफ नहीं भाई, उस तरफ है। एक मिनट भाई, पहले भी आया था मैं इस तरफ। हाँ वो है गेट इसका, और कुछ ट्रक वगैरह आ रहा है, ये मुड़ जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं 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 वो तो नहीं आ रही है गाड़ी, तो ट्रैक्टर का शोरूम है भाई, वहाँ पर ही सब कुछ है। ये गाड़ी भी आ रही है, ये देखो भाई यहाँ से इंडिकेटर दे ले भाई साइड में, कोई ठोक के ना चला जाए पीछे से। और ये लग रहा है मुझे तो यही है, मैं ये देख के नहीं गया पता नहीं क्यों। और ये ट्रैक्टर का शोरूम है भाई, यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह भी खड़े हैं देखो, और ट्रॉली भी खड़ी है किसी की, और ये भी सेल में है यहाँ पर। और अपना भाई आगे से लेके जाते हैं, तो यही है ना, यही है। इंडिकेटर तो बंद करो। 725 जो लास्ट में है भाई, वो प्राइज़ अभी देखते हैं कितना मिलता अपने को। पहली बार देखी भाई ऐसी मंडी, मार कहाँ जाएगा। ठीक है 725 है लास्ट में, अब देखते हैं भाई कितना, मेरे ख्याल से वो ही हटेगा। 725 से भाई 434 हो गया, तो ज़्यादा प्राइस मिला नहीं, तकरीबन $1000 के तकरीबन मिला है। 1000 मिला है कि भाई पता नहीं, हार्वेस्ट इनकम खुद की है भाई, हार्वेस्टर इनकम कौन सी आ गई। अब लो, और ये पता नहीं भाई रास्ते में मिट्टी गिर गई है किसी ने ट्रक पर पलट गया मुझे लग रहा है। और रास्ता बंद है भाई, इस रास्ता जाता किस तरफ है ये, और रास्ता बंद कर दिया मेरे ख्याल से, या तो हाईवे है मेरे ख्याल से, कोई काम चल रहा है इस पर लग रहा है। तो मैप के बारे में यार बताना कमेंट में भाई कैसा है, क्योंकि दूसरे मैप में तो यार प्रॉब्लम आ रही है भाई। अब मैं क्या करूँ, मेरा पीसी छोटा है यार भाई, तो जल्दी भाई 2 महीने रह गए, अब इंडिया जाके भाई करूँगा मैं इसको भी अच्छा खासा भाई, 50,000-60,000 रुपये का तो मैं कर लूँगा भाई इसको, बेच वगैरह पैसे डाल डूल के कुछ करूँगा जुगाड़ यार। हार्वेस्टर वो खड़ा है, एक तो उल्टी साइड लगा दी मैंने, ट्रैक्टर चला जाएगा क्या। तो यार 12 नहीं खाएगा भाई अपना ट्रैक्टर यार, 855 अपने। देखो भाई इतने से माल के लिए मुझे कितना तेल का वेस्ट करना पड़ा एक में। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो तो यार ट्रैक्टर पे बैठ गया फिर से माल भाई, 1% यार हद है। तो मशीन को भाई हम घर में नहीं लेके जाएंगे, खेत में ही छोड़ेंगे, क्योंकि अभी किसी और के भी काटनी है फसल। वो इसको छाँव में लगाते हैं यार, यहाँ पे जगह बेकार है, तो यहाँ पर रोड के किनारे लगा देते हैं भाई, लोग भी देखें भाई। नई मशीन को हमारी हिंद 99 को, लिफ्ट को रख दूँगे डाउन, और लो भाई रेस दे के बंद करेंगे, रेस दे के बंद करेंगे। और भाई एक गेड़ा और लगा लेते हैं यार मंडी का। और यार ये रास्ता जाता किधर को है, वो देखो भाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सामने, ट्रक वगैरह और ट्रैक्टर वगैरह पलटा हुआ है वहाँ पे कुछ है। यार ये रास्ता किधर जाता है भाई, उसी तरफ, पर ये है कि ट्रैक्टर वगैरह नहीं जाएंगे यहाँ से भाई, हम ऐसे रास्ते में भी ट्रैक्टर ले जाएंगे। ये शॉर्टकट ही है भाई, शॉर्टकट लग रहा है मुझे, हाँ शॉर्टकट है भाई, पहुँच गए वहाँ पर ही। तो ट्रैक्टर तो हम ले जाएंगे यहाँ से, तो इतना मुश्किल तो नहीं है भाई, ये फट्टे वगैरह डाले हुए हैं, और हो सकता है खाली ना चढ़े। और ये क्या भाई, बच्चों के खिलौने पड़े हैं, ट्रक पड़ा है भाई बच्चों का, 3D को 2D है भाई, भाई खंडर से हैं सभी घर में, सभी लोग काम पे गए हैं मेरे ख्याल से, इसलिए घर बंद है। चलो कोई नहीं, और स्कूल दिखा दूँ भाई, ये स्कूल है, अभी तो अपनी उम्र हो गई भाई, बच्चों का स्कूल है। चलो देखो भाई माल, देखो ट्रॉली तो बिल्कुल खाली लेके जा रहा हूँ, एक छोटा ट्रैक्टर रखना पड़ेगा भाई ऐसे कामों के लिए यार, इनका तेल का भाड़ा कौन देगा भाई फिर। अगर किसी का भाई लगाना भी हो भाड़े पे ट्रैक्टर, तो मुसीबत हो जाएगी, इतना सा माल लेने के भाई अपने को कुछ बचेगा भी नहीं। ये चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया भाई, ये कि ये स्लिप वगैरह ना करे। अब पता नहीं भाई ट्रॉली के साथ खाली में तो चढ़ गया, 1% माल है भाई, 317 जो माल है। ये मक्की भाई किसने लगाई यहाँ पे,
इसका भाई देखते हैं, एक मिनट ये भी मेरे को ही पड़ेगा भाई। इसका भी चक्कर मक्की है ना, अभी तक हुई नहीं मेरे ख्याल से। और ये दुकानें वगैरह हैं, ये भी किसी का घर साइड वगैरह। वो देखो भाई ट्रैक्टर लगे डिजिट फेयर के, न्यू हॉलैंड के भी हैं। और अंदर भाई सामान सामान वगैरह पड़ा है, तेल तूल वगैरह मशीने लगी है, तो फ्री टाइम में जाएंगे। अभी तो फिलहाल हम मंडी तो चलें, देखो यहाँ पर बड़ा ट्रोला यार मेरे ख्याल से नहीं भी मुड़ेगा भी नहीं भाई, यार जगह छोटी है यार। देखो तो माल को फिर लेके आने में मुसीबत हो जाएगी। लो 734 है भाई, ठीक है अभी देखते रहना कितना मिलेगा। ये तो हिलेगा भी नहीं सुई। लो भाई 337 डॉलर मिल गए इतने के, अच्छी बात है। 337 डॉलर भाई काफ़ी अच्छे हैं। और इंडिया के भाई बन गए 30,000। 30,000 का यार इतना क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ये इतने डॉलर मिल रहे हैं भाई इतनी सी फसल के 1% के। अरे भाई मोड़ने में गलती हो गई, पर मुड़ गए भाई। इसकी कटाई अच्छी है ट्रैक्टर की, धुआं वगैरह तो अच्छा, कोई इंजन वगैरह कोई प्रॉब्लम ना हो भाई ट्रैक्टर में, क्योंकि काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ भाई। देखो यार जहाँ पर लोग जाते हैं वहाँ पर हमने ट्रैक्टर, ओ तेरी की, ओ भाई ये हुआ क्या मुझे समझ नहीं आई, पर जो हुआ पर अच्छा हो गया भाई, ट्रैक्टर सीधा रहा। और ये देखो लोग अभी फसल लगा रहे हैं, लगा भी दी भाई, ऐसे खेत में कैसे लगाएगा कोई फसल। एक तो ज़मीन ही भाई नहीं है सही है, ऐसी ज़मीनों के रेट भाई बहुत सस्ते होते हैं, ये मिल जाती है भाई 1-1 लाख रुपये में इतनी सी जगह। तो मुझे यार अब आगे घर पे तो अभी ट्रैक्टर का इंतजाम करना पड़ेगा भाई दूसरे का, क्योंकि ये छोटी ट्रॉली है भाई, अपना ट्रैक्टर बड़ा है। तो 155 तो बड़े काम के लिए रखा था, पर अब क्या करें यार, 2,000 भाई कुछ डॉलर हैं, ट्रैक्टर आ जाएगा नया, कोई बात नहीं छोटा सा लेंगे। और लो ठीक है, तो अपनी जो है भाई ये पूरा कंप्लीट हो गया यार, अपना भी जो भी था फसल काटी, अब काटेंगे लोगों की वो काटेंगे कल को, कल को नहीं अगली वीडियो को पार्ट में बताएंगे। ठीक है तो आज की वीडियो आज इतनी ही, और कैसा लगा मैप के बारे में कमेंट बताना, और कैसी गेम प्ले लगी ये भी बताना, और भी गेम प्ले बनानी चाहिए कि नहीं, या कंस्ट्रक्शन मैप वाली गेम प्ले बनाए बताना आप कमेंट में ज़रूर, क्योंकि आपकी राय पर आगे मैं गेम प्ले बनाऊँगा। तो जल्दी मिलते हैं भाई एक और नई वीडियो लेके, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।